वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रवि ब्लॉग्स टेक चैनल को और दबाइए बेल आइकन। तो गाइज मेरा नाम रवि शंकर है और स्वागत है आपका मेरे चैनल रवि ब्लॉग्स टेक में। तो दोस्तों इस वीडियो में एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट के बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। आप लोग टाइटल से गेस कर ही लिए होंगे कि दोस्तों जापान के एक इंस्टीट्यूट है NICT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसी इंस्टीट्यूट ने 319 terabytes का मतलब 319 TB/s का इंटरनेट स्पीड को अचीव कर लिया है। आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना ज़्यादा फास्ट इंटरनेट होता है। फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों मैं आप लोग आपके रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूँ कि ये कितना ज़्यादा होता है। करेंटली आप लोग नेट यूज़ कर रहे होंगे 100, 200, 500 Mbps का, पर 1 Gbps का भी अभी प्लान आने लगा है बहुत सारे कंपनी से, उससे ज़्यादा नहीं आता है। 1 Gbps से ऊपर का प्लान नहीं आता है, बहुत ही कोई कोई कंट्री में आता है पर हर एक कंट्री में नहीं आता है, मेजॉरिटी जगह में नहीं आता है 1 GB से ऊपर वाला प्लान। पर इमेजिन करो कि 1 GB से ऊपर यानी कि 1000 Gbps आने लगे, 1000 Gbps आप लोग जानते होंगे 1 Tbps, पर उसका भी 319 terabytes per second है। इतना ज़्यादा इंटरनेट का स्पीड है ये, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। और आप कुछ भी नॉर्मल सच, ऑफकोर्स ये नॉर्मल लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज़्यादा तो आपके कंप्यूटर में भी स्टोरेज नहीं होता जितना आप पर सेकेंड डाउनलोड कर सकते हो इसकी मदद से, इस इंटरनेट की मदद से। और ये ऑफकोर्स जो रिसर्च सेंटर्स वगैरह होते हैं, नासा और जो भी स्पेस रिसर्च सेंटर होते हैं और ऐसी बड़े बड़े कंपनी, उनके लिए है ये। और ये अभी तक अवेलेबल भी नहीं है बड़े बड़े कंपनी के लिए, बस अभी तक अचीव किया गया ये और बहुत जल्द ये बाकी सब लोगों को भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। नॉर्मल कंज्यूमर लोगों को नहीं बल्कि जो कंपनीज हैं बड़े बड़े कंपनीज, उन लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों, मैंने ये बताना भूल गया, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था जिसका जो स्पीड था 178 TB/s था, टेराबाइट पर सेकेंड, पर उसको बीट करके डायरेक्ट उसका दुगना तो नहीं कर सकते पर डबल तो नहीं कर सकते पर थोड़ा सा ज़्यादा, उससे डबल से थोड़ा सा कम, जो कि 319 TB/s पर अचीव कर लिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और मैं बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ कि टेक्निकली वो लोगों ने कैसे अचीव किया, उसमें अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज होना पड़ेगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप लोग एक आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है जिसमें पूरी डिटेल में बताया गया है कि कैसे ये अचीव किए ये लोग और क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किए, कैसा सेटअप था वगैरह सब कुछ, तो आप चेकआउट कर सकते हो उस आर्टिकल को, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, तो ज़रूर से चेकआउट करना। तो वेल दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और कॉमेंट में बताना अपनी ओपिनियन इसी वीडियो के बारे में, मेरे बारे में, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर एक क्वेश्चन की रिप्लाई जरूर करता हूं। और शेयर करो इस वीडियो को सभी के साथ, और चैनल पर नया आए हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर तोड़ डालना क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट टेक के अपडेट्स इन डिटेल डेली लाता रहता हूं जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करना। दोस्तों हम लोग बहुत ही ज्यादा करीब है 5 के सब्सक्राइबर्स के लिए, जैसे कि आप लोग स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।